हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर को लेट सी क्रिएट में खुश आमदीद। ये वीडियो मेरे कुछ दोस्तों के लिए जो मुझे बार बार टेक्स्ट करके पूछ रहे होते हैं कि भाई अकाउंट कैसे बनाना है बाइनेंस का। और इनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जिनसे मैं पूछता हूँ एप्लीकेशन डाउनलोड की है, वो कह रहे होते हैं कि नहीं अभी नहीं की। तो भाई जब तुमने एप्लीकेशन ही डाउनलोड नहीं की है तो कैसे तुम किसी से पूछ सकते हो कि भाई बाइनेंस का अकाउंट कैसे बनाऊँ। वैसे तो आपको बहुत सी वीडियोज़ यूट्यूब पर मिल सकती हैं, लेकिन नहीं समझ आ रहा तो फॉलो मी, और मैं कोई मोबाइल लेकर या कंप्यूटर पर आपको सिखाऊंगा नहीं कि कैसे करना है। जस्ट लिसन टू मी। जिन लोगों ने अभी बाइनेंस डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहले भाई अपने मोबाइल फ़ोन पे एंड्रॉयड हो या आईओएस पे डाउनलोड कर लो। अगर बाइनेंस आईओएस पे नहीं मिल रहा क्योंकि वो .us शो कर रहा होता है, पाकिस्तान में नहीं होता, तो उसके लिए आप वेबसाइट से डायरेक्ट जाके UR कोड से डाउनलोड कर सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ वेबसाइट की। अब सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना होता है तो वो आप ईमेल से भी बना सकते हैं और मोबाइल नंबर से भी बना सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि मोबाइल नंबर से बनाओ क्योंकि ईमेल के लिए आपको नेट चाहिए होती है, तो हर वक्त चूँकि ऑथेंटिकेशन वो वेरिफिकेशन लेता है बार बार, तो उसके लिए मोबाइल का नंबर होना सही है। अब बहुत से लोगों को पासवर्ड में मसला होता है, तो भाई 8 की लिमिट रखो। 8 कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो, और उन 8 अल्फ़ाबेट्स के साथ एक नंबरिक ज़रूर यूज़ करो, कोई भी नंबर लगा दो उसके साथ, और उनमें से 2 बड़े अल्फ़ाबेट्स यूज़ करो, हो जाएगा तुम्हारा काम। स्ट्रॉन्ग नहीं भी हुआ तो वो वीक से ऊपर आ जाएगा। अब जब अकाउंट बन गया तो सबसे पहले तुम्हें अगर मोबाइल फ़ोन पर हो तो लाइट का ऑप्शन बंद करना है। वो करने के लिए तुम्हें अपने प्रोफाइल पे जाना होगा और वहाँ पर ऑप्शन कोई मिल जाएगा तुम्हें लाइट का ऑप्शन बंद करने का। अब आता है जी वेरिफिकेशन फेज। सबसे पहले तो तुम्हें ऊपर ईमेल और अपने नंबर की वेरिफिकेशन का वो पूछेंगे, वो आराम से हो जाएगी। ईमेल अगर मसला करती है तो कोई बात नहीं, तुम दूसरा जीमेल अकाउंट यूज़ कर लो। अगर नहीं है तो भाई बना लो, कौन सी देर लगती है उसमें। और फिर तुम्हारी आएगी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जो कि बहुत मुश्किल लग रही होती है लोगों को। मैं बताता हूँ कि वो कैसे होगी। लोग उसमें कुछ गलतियाँ कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात कि भाई तुम्हारा स्मार्ट कार्ड होना लाजमी है, क्योंकि उर्दू उस अंग्रेज़ को समझ नहीं आनी जिसे तुम भेज रहे हो। तो आगे और पीछे की तुम्हें पिक्चर निकालनी है, और वही तुम्हें नाम जो तुमने उसमें लिखा है वही लगाना है, और डेट ऑफ बर्थ। और नाम में लोग मिस्टेक कर रहे होते हैं कि हमारे पास अमूमन नाम के साथ कास्ट नहीं लगी होती है आइडेंटिटी कार्ड में, लेकिन लोग फिर भी लिख रहे होते हैं, इसलिए वो कैंसिल हो जाता है। अंडर 18 का भी मसला हो रहा होता है कि मेरे पास कार्ड नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो भाई किसी और से कार्ड ले लो, माँ बाप से ले लो या भाई बहन से ले लो, जो भी बड़े हैं। और अगर तुम चाह रहे हो कि नहीं भाई मेरी आइडेंटिटी है या तुम्हें कोई और कार्ड दे नहीं रहा, तो तुम जाके अपना ब्लू एज कार्ड बनवा सकते हो अंडर 18 के लिए जो होता है। अब NIC की आगे पीछे की पिक्चर भेजने के बाद जिसका NIC है उसे तुम आगे खड़ा करो रोशनी के, और उसकी जो आगे से तस्वीर है वो खींचो या फिर कोई और पिक्चर भेज दो जो उसकी है। और फिर लास्ट में फेशियल वेरिफिकेशन होती है, जिसमें तुम उस बंदे को खड़ा करोगे जिसका NIC है, और जो भी लिखा हुआ आएगा कि आँखों को मत ढाँपो मुँह को मत ढाँपो, तो वो सब तुम्हें करना है, और रोशनी में खड़े करके उसे, और फिर वो बताएगा कि भाई नोड करना है या राइट लेफ्ट देखना है, तो जो भी वो कहें वो तुम्हें कमांडमेंट्स को देखना है। लोग अपना भेज देते हैं जबकि उनका NIC नहीं होता है, तो ये गलती मत किया करो, रिजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। और फिर ये सब जब तुमने सही से कर लिया तो तुम्हारा 1 घंटे बाद वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आती है एड्रेस वेरीफिकेशन, जो कि बहुत ईजी होती है। अपना कोई भी यूटिलिटी बिल उठाओ, वो इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता है या फिर तुम्हारा वाटर या गैस का बिल, वो उठा के उसकी पिक्चर खींचो, और जो भी उस पर एड्रेस लिखी हुई है वही A to Z एड्रेस कॉपी पेस्ट करने है बस तुम्हें, और फिर उसे भी तुम सबमिट कर लो, वो भी 1 घंटे बाद तुम्हारा एक्सेप्ट हो जाएगा। और इस तरीके से तुम्हारी दोनों वेरिफिकेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। अब ये तो मैंने बता दिया कि बाइनेंस का अकाउंट कैसे बनता है। अब ये कि भाई उस पर ट्रेड कौन सा करना है, कौन सा सही ट्रेड है कौन सा गलत ट्रेड है, और फिर जो कॉइन्स की बाद में बात आती है वो सब बातें, तो उनके लिए तुम ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हो। फ्री के ग्रुप्स भी तुम्हारे पास हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं तुम्हारे पास तुम्हें सिखाने के लिए। वकार जका का तुम पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई किसी और जगह से भी सीख सकते हो, लेकिन अगर नहीं मिल रहा कुछ तो वेट फॉर माई अनदर वीडियो, जिसमें मैं इंशाल्लाह बताऊँगा कि स्पॉट ट्रेड कैसे होता है, जो कि मुझे मैसेजेस में पूछ रहे होते हैं लोग, जबकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन चूंकि आई एम मेंबर ऑफ सम ग्रुप्स, तो लोग पता नहीं कहाँ से कमेंट्स ढूंढ करना आ जाते हैं इनबॉक्स में। तो भाई मैं भी तुम लोगों की तरह बिगनर ही हूँ, डोंट टेक मी एज एन एक्सपर्ट। जो लोग मुझे कह रहे होते हैं कि कौन सा कॉइन खरीदें, मतलब कि भाई एक इंसान जिसे तुम जानते ही नहीं हो कि ये है कौन, इसने पैसे कमाए भी हैं कि इसकी अचीवमेंट है भी कि नहीं, और तुम उसे पूछ रहे होते कि कौन सा कॉइन खरीदूँ, तो वो तुम्हें क्या मशवरा दे सकता है।
तो मैं तो उन चीज़ों को इग्नोर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मैंने क्या होल्ड किया हुआ है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अब लक पे है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता होता कि कैसे चीज़ों को देखना है। वहाँ सो लर्निंग, और जिनसे मैं सीख रहा हूँ मैं उन उनकी तरफ तुम्हें भेज सकता हूँ। तो मैं हमेशा उन लोगों को वो वीडियो सेंड कर देता हूँ, या फिर यही रिकमेंड करता हूँ कि वकार ज़का का ग्रुप ज्वाइन कर लो अगर सही में कुछ सीखना चाहते हो। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।